सर, आप आतंकवाद को आप किस नजरिए से देखते हैं? जैसे कि अभी देखा जाए धर्म और जैसे धर्म के नजरिए से देखते हैं या जाति के नजरिए से देखते हैं? आतंकवाद को धर्म और जाति दोनों के नजरियों से नहीं देखे जाने की जरूरत है। आतंकवाद का कोई गठन नहीं होता है। ऐसे लोग जो अपनी क्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज को राष्ट्र को प्राथमिकता मानते हुए अपनी निजी जरूरतों को आधार मानते हुए लोगों को आपस में विद्वेष की भावना एक दूसरे को तोड़ने की भावना की नियत से जो ऐसा काम इस समाज में करते हैं उनका कोई जाति नहीं है, उनका कोई धर्म नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ इस देश में नफरत की एक सोच को विकसित करना चाहते हैं। और नेहरू युवा संगठन युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन जो हमारा एक स्वायत्तशासी संगठन है वो युवाओं को ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक करने के लिए। सर एक चीज़ देखा जाए अगर प्रेजेंट टाइम में जो आतंकवाद को लेकर के लोगों के दिमाग में एक छवि बनी हुई है, जहाँ भी आतंकवाद का नाम आता है वहाँ पे तुरंत जो है एक जाति विशेष या धर्म विशेष का जो चेहरा नजर आता है नज़र जो उतर आता है, सर उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए इस विषय पर यही किसी प्रकार के इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं के मन में युवाओं के कोमल मस्तिष्क पर जो इस प्रकार की विचारकी का अंकन किन लोगों की तरफ से किया जाने की कोशिश की जाती है उन्हीं विचारधारा के अगेंस्ट नेहरू युवा केंद्र संगठन खड़ा हुआ है कि आतंकवाद को एक सीमित परिधि में व्याख्या किए जाने की आवश्यकता नहीं है। तमाम ऐसी गतिविधियाँ इस देश में घटित हो रही हैं। आप देखिए कि हाल में जो तमाम गतिविधियाँ हुई हैं, चाहे श्रीलंका की गतिविधि हो, हाल में पुलवामा की जो गतिविधि हुई है, या अभी सुकमा में या गढ़चिरौली में, और हाल में ही अभी यहाँ पर बिहार राज्य में जो घटनाएँ हुई हैं उनको देखते हुए ये लगता है जो इस समय देश सीमा पार आतंकवाद के साथ साथ जो आंतरिक तमाम ऐसे आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं जिससे जो हमारे देश का राष्ट्रीय विकास है वो बाधित हो रहा है। और हम नेहरू युवा केंद्र संगठन के माध्यम से युवाओं को इसी बात के प्रति सजग करने की कोशिश कर रहे हैं कि आतंकवाद का कोई जाति या धर्म नहीं है, और इस समय तो कोई क्षेत्र भी नहीं है जो है कहीं से भी आतंकवादी गतिविधियाँ कहीं पर संपादित हो जाती हैं। आंतरिक आतंकवाद को खत्म करने के लिए सर आपकी संस्था किस तरह से कदम उठा रही है? देखिए हम हमारी संस्था प्रत्येक ग्राम पंचायत में युवा मंडलों का गठन कर युवाओं को विभिन्न सामाजिक एवं राष्ट्रीय मुद्दों पर उनको सजग करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतिमानों हमारे देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके प्रति उनके मन में एक आस्था विकसित करने के लिए उनको राष्ट्र की सच्ची परिभाषा समझाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। मेरा नाम त्रिलोकनाथ तिवारी, लेखाकार नेहरू युवा केंद्र जोरिया में कार्यरत हैं। सर जैसे अभी सर ने अभी हमारी बात हुई थी आतंकवाद विरोधी दिवस के उपज में, आप सर जो है आतंकवाद को सर आप किस नजर से आप देखते हैं? आतंकवाद जो है कोई कहीं भी आतंकवाद हो पूरे देश में आतंकवाद आतंकवाद ही है, कुछ जात धर्म और किसी आस्था से नहीं जुड़ा हुआ है। वो आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, वह राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ पूरे देश और विश्व में आयोजित कर रहे हैं। उनके लिए सभी युवाओं को नेहरू युवा केंद्र परिवार को एक होकर के इसे आतंकवाद को समूल नष्ट करने की जरूरत है। सर जी और बताइए जैसे आतंकवाद के देखा जाए आतंकवाद के सिस्टम में जो है काफ़ी बेगुनाह लड़के भी जो है आजकल फंसे हुए हैं जो काफ़ी समय से जो है उनके यहाँ पर देखा जाए आतंकवाद में अगर कोई फंस भी जाता है तो उसके उनके परिवार या कोई भी जो है उनके तरफ से उनके लिए जो लड़ना नहीं चाहता है, हालांकि लोग जानते भी हैं कि बेकसूर है फिर भी, तो सर आप इस पर क्या एक्शन लेंगे? नहीं, हम सभी लोगों को मिलकर के ऐसे तत्वों को समाज से बहिष्कृत करने की जरूरत है और सारे युवा और देशवासियों को इसमें सतर्क होकर के इस तरह की किसी गतिविधियों को उसमें सम्मिलित होने की कभी कहीं से भी इजाज़त देने की जरूरत नहीं है। जो भटके भूले और उनको भटका दिया जाता है उन्हें हमें किसी भी तरीके से उन्हें प्रश्रय देने की जरूरत नहीं है, उसे मजबूती से समझा करके और राष्ट्र के प्रति उनका दायित्व और देश के प्रति परिवार के प्रति उनकी सोच को सकारात्मक विकसित करने की जरूरत है। सर धन्यवाद सर आपका। सर आतंकवाद विरोधी दिवस से अब कब से जो है आप लोग इसको चला रहे हैं? आतंकवाद विरोधी दिवस हमको लग रहा है कि हम 2010 से चला रहे हैं। हम पूरे देश लेवल पर विभिन्न कार्यक्रमों में इसमें भाग सहभागिता कर चुके हैं और मैं यही कहता हूँ कि आतंकवाद अपने घर से ही पैदा होता है। पहले घर का आतंकवाद नष्ट कर दिया जाए, यही छोटे छोटे जैसे शरीर का छोटी सी कुंसी बहुत बड़ा कैंसर का जड़ रूप पकड़ लेता है, वैसे ही हमारे गांव और घरों का जो आतंकवादी होते हैं वही अंतर्राष्ट्रीय हो जाते हैं। पहले हम घरों को घर की आतंकवाद खत्म करें और ऑटोमेटिक जो है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंक खत्म हो जाए। सर आतंकवाद को क्या आप धर्म से जोड़ते हैं? आतंकवाद धर्म नहीं, वो मानसिक दिवालियापन है। देखिए सर देखा जाए सर जो हर जगह जो है धर्म कोई ना कोई जो है धर्म से ही जो है जुड़ जा रहा है आतंकवाद। उन भाई एक बात तो कह दिया कि जो धर्म से जोड़ता है
या जो आतंकवादी होता है, उन दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। वो चाहे कहने वाला हो या चाहे आतंक करने वाला हो, जो कहने वाला भी आतंक ही है। सीधा सीधा समय अगर कहा जाए तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उसका अपना धर्म आतंक है, मतलब उसका धर्म ही है कि आतंक है। वो चाहे किसी घर में बैठा हो। अच्छा, जैसे कि मैं देख रहा सर, आप एक मुस्लिम पर्सन है सर, आप आतंकवाद को क्या अपने, जैसे कि देखा जाए कि मुस्लिम वर्ग में आतंकवाद की एक छवि बनी हुई है, क्या आप मानते हैं कि मुस्लिम जो लड़के हैं आतंकवादी जो बन रहे हैं, तो क्या उसमें कहीं कहीं जो है उनको अशिक्षा है या फिर जो है उनको गाइडलाइंस नहीं मिल रही है? बिल्कुल उनको सही गाइडलाइंस नहीं मिल रही है, वो अशिक्षित हैं, वो शिक्षा से बहुत दूर हैं। हमारा मजहब सबसे पहले ऐसा मजहब है जो सिखाता है तलबुल इल्म फरीजते अला कुल्ले और मोमिना व मुस्लिमा। इसका अर्थ ये होता है कि हर मर्द हर औरत को पढ़ना शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है। ये एक ऐसा, इस मजहब का अगर कोई लड़का ऐसा गलत कार्यविधियों में फंसता है, इसका मतलब ये कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, धर्म उसको समझ में नहीं आया कि इस्लाम धर्म क्या कहता है। क्योंकि अगर आतंकवादी कहीं कोई गतिविधि अगर होती है और देखा जाए चेहरे में जो है, जैसे कि एक चेहरा नजर आता है कि मतलब मुस्लिम ही आतंकवादियों का कहीं कहीं कोई भी आतंकवादी गतिविधि होती है, तो ऐसे लोगों की जो सोच इस तरह की मानसिकता और उस पर क्या कहना चाहेंगे आप लोगों से? हम अपने नेहरू युवा केंद्र की तरफ से, हमारे विकास तिवारी जी हमारे लेखाकार महोदय हैं जो इन्होंने बताया भी आपको कि आतंकवाद तभी खत्म होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया, शिक्षा से शिक्षित बनाएंगे, बच्चों को नेक रास्ता देंगे, बेशक आतंकवाद खत्म हो जाएगा। धन्यवाद सर। आइए, उनकी अपनी सोच होगी अच्छा काम करने की, बेशक वो गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, वो अच्छा रास्ते में जाएंगे, वो अच्छा रास्ता चुनेंगे।